अमेठी के तहसील संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केशवपुर गांव के ग्रामीण इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इन ग्रामीणों को डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि कुछ दबंगों का है जो SC ST को झूठे केस में फंसाने की धमकी दिया करते हैं। आपको बता दें, इस कानून में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पहले गिरफ्तारी, उसके बाद जाँच होती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। ऐसे में उन्होंने इस बात की शिकायत जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर सहित मुख्यमंत्री ऑफिस को भी पत्र भेजकर की। इसी के साथ ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे लोगों के द्वारा की जाने वाली शिकायत को बगैर उच्च स्तरीय जाँच के कहीं भी दर्ज न की जाए। हरिलाल कनौजिया व उनके सुच्छेदी कनौजिया व उनके गैंग के लोग, सारे लोग मिलकर गांव के सारे लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिए हैं और SC ST का दुरुपयोग करते हैं। किसी का रास्ता बंद कर देते हैं, किसी की नाली बंद कर देते हैं पानी निकासी की, किसी का मकान नहीं बनने देते हैं, बराबर लगवाते रहते हैं किसी न किसी के ऊपर, उससे धन उगाही सरकार से अनुदान लेते हैं और गांव वालों से भी धन उगाही। अभी तक कितने लोगों पे SC ST लगवाया गया है? अभी तक 7-8 लोगों के ऊपर SC ST लगवा चुके हैं। संजय सिंह, सनाब धर्म बहादुर और उनके गिरोह के हरिलाल कनौजिया, सुच्छेदी कि जो आए दिन हम लोग को प्रताड़ित करते हैं। मैं बाहर पढ़ाई करता हूँ, हमारी माता जी को लोग सब लोग गिरोह बना के मारे भी हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास FIR की कापी भी, इसमें 392 लूट का भी उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, जो कि आए दिन परेशान करते हैं और बार बार मुझे कमाई का छोटी सी जीविका हम चलाते हैं बाहर रहते हुए, और ये जीविका हमारी चलने नहीं देते हैं। किसी न किसी हिसाब से ST Act का लगाने की धमकी देते हैं कि मैं अपने गिरोह के हरिलाल छेदी को कहकर तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दूंगा, तुम्हारे सभी को।